भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनावों में एक बार फिर भारी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी के भ्रष्ट चेहरा देखा है। शराब के घोटाले से लेकर स्कूलों में घोटाले, जो बच्चों के स्कूलों के कमरों में भी घोटाला कर ले, और जो शिक्षा के विस्तार की बजाय ठेकों के विस्तार पे काम करे, ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी जहां स्वास्थ्य मंत्री जेल में पड़ा हो और मसाज करवा रहा हो लेकिन फिर भी इस्तीफा ना देता हो। ये भ्रष्ट तो है ही, बेशर्म सरकार भी अगर देखी जाए तो केजरीवाल जी की सरकार है। और दिल्ली के लोग अब इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, जैसे दिल्ली के लोग पॉल्यूशन से मुक्ति पाना चाहते हैं, प्रदूषण से मुक्ति भी, यानी कि आम आदमी पार्टी से मुक्ति पाना चाहते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पार्कों का विस्तार हो या पार्कों के ओपन जिम लगवाने की बात हो, दिल्ली के विकास के लिए जो काम किया है और अब तो नए आयाम स्थापित करेंगे, जहां एक और बहुत सारे घर वालों को जो अनऑथराइज कॉलोनी थी वहां पर उनको अवसर दिया गया, 60 लाख लोगों को उसका लाभ मिला है।